बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या करें। अक्सर छात्रों के मन में ये सवाल आता है कि जब मेरा बीएससी एग्रीकल्चर हो गया है, अब इसके बाद क्या करें। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद छात्रों के लिए क्या करियर ऑप्शन है, इसको लेकर छात्र काफ़ी परेशान रहते हैं। जो आज के इस वीडियो में मैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें, करियर ऑप्शन के बारे में पूरी जानकारी लेके आया हूँ। तो देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसमें कि कुल 8 सेमेस्टर होते हैं। इस कोर्स में कृषि या कृषि संबंधित विषय को पढ़ाया जाता है। ये कोर्स भारत में विभिन्न सरकारी और निजी विश्वविद्यालय द्वारा इस पाठ्यक्रम को कराया जाता है, जहाँ से छात्र बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं के बाद एग्रीकल्चर विषय लिया है, तो आपके पास एक अच्छा करियर ऑप्शन है कि आप इसके बाद बीएससी एग्रीकल्चर करें, जो कि काफ़ी अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। बीएससी एग्रीकल्चर पाठ्यक्रम के 4 वर्षों से कृषि से संबंधित विषय जैसे कि हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एंटमोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सोइल साइंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर स्टेटिक्स, एनवायरनमेंट साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, फार्म मशीनरी, डेयरी साइंस आदि जैसे कृषि से संबंधित विषय को पढ़ाया जाता है। तथा इसके साथ ही बीएससी एग्रीकल्चर के छात्रों को अनेक प्रकार के फसलों का फील्ड अभ्यास भी कराया जाता है, जिससे छात्रों को फसलों के बारे में बहुत जानकारी मिलने को मिलती है, फसलों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। इस पाठ्यक्रम को करने वाले छात्रों को कृषि से जुड़ी अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन करना होता है, जिनसे उन्हें फसलों से संबंधित सभी जानकारियाँ, जैसे कि फसलों को कब सिंचाई करनी है, फसल में किसी भी प्रकार का रोग तो नहीं लग रहा है, फसलों के संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त होती है। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या करें, देखिए करियर ऑप्शन। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं या आप बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं, तो आपके मन में कई तरह के सवाल आते होंगे कि आप क्या करें, क्या आगे की पढ़ाई जारी रखें या किसी सरकारी नौकरी की तलाश में लग जाएं। अगर आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास कई तरह के करियर ऑप्शन, जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के बाद पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर में जो सब्जेक्ट आपका अच्छा था, आपको कोई विषय कुछ ज़्यादा ही पसंद आता हो, तो कुछ लोग की विषय में अच्छा स्कोप भी इसी मद्देनज़र सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, या आपके पास किसी भी तरह का बिजनेस आइडिया हो तो आप उस क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर कई तरह के सरकारी नौकरी का पोस्ट आता है, जैसे कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर, रूरल एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर आदि की नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद पोस्ट ग्रेजुएट कौन से विषय से कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके पास कई तरह के सवाल होते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट किस विषय से करें कि आगे चलकर कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ये विषय का चयन करना है, यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आखिरकार पढ़ना आपको ही है। कई छात्रों का तो मानना है ये कि जिस विषय में ज़्यादा स्कोप है, उसी विषय को लेकर पढ़ना चाहिए, लेकिन यह बात सही नहीं है। सभी विषय का स्कोप बराबर होता है, ठीक है, लेकिन किसी भी विषय का ज़्यादा तो किसी का कम, ये उतार चढ़ाव आपको हर समय और हर क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकता है। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आप एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। इन विषय से देखिए, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी से, प्लांट साइंस से, फिजिकल साइंस से, एंटमोलॉजी एंड
एग्रोनॉमी से कर सकते हैं, सोशल साइंस कर सकते हैं, सोशल साइंस, एस्थेटिकल साइंस, हॉर्टिकल्चर से कर सकते हैं, एनिमल हजबेंड्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप हॉर्टिकल्चर से MSc करना चाहते हैं तो उसमें से वेजिटेबल क्रॉप और साइंस, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्रूट साइंस, हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्लोरिकल्चर एंड लैंड स्क्वेपिंग, हाँ ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पोस्ट ग्रेजुएट के विषय में और अधिक जानकारी के लिए देखिए BSc एग्रीकल्चर के बाद नौकरियाँ की संभावना अपॉर्चुनिटीज। आप जो अभी BSc एग्रीकल्चर के बाद नौकरियाँ की संभावना कितनी बढ़ जाती है, देखिए सेंट्रल एग्रीकल्चर जॉब जो कि BSc एग्रीकल्चर पर मिलती है, देखिए नाबार्ड में, UPSC में, RRB SO एग्रीकल्चर ऑफिसर में, जूनियर टेक्नोलॉजी असिस्टेंट एग्रीकल्चर, FCI एग्रीकल्चर, FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 पर मिल जाता है, आई फूड इंस्पेक्टर, SSC असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर। BSc एग्रीकल्चर क्या है, क्यों करनी चाहिए, इसकी शैक्षणिक योग्यता की पूरी जानकारी देखिए आप। स्टेट एग्रीकल्चर जॉब आफ्टर BSc एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, कैन सुपरवाइजर, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्टेट सीड डिपार्टमेंट, स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन। इन सभी नौकरियों में BSc एग्रीकल्चर के छात्र बिल्कुल ही आवेदन के लिए योग्य हैं। अब देखिए BSc एग्रीकल्चर कितने साल का होता है, BSc एग्रीकल्चर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, कुल 8 सेमेस्टर होते हैं। BSc एग्रीकल्चर से फ़ायदे देखिए, BSc एग्रीकल्चर और सभी पाठ्यक्रम को अपेक्षा इस कोर्स के करने वाले स्टूडेंट की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन 3-4 वर्ष में इस कोर्स में भी स्टूडेंट रुचि दिखा रहे हैं। BSc एग्रीकल्चर करने से फ़ायदे ये हैं कि इसमें जॉब और कैरियर के अवसर अन्य पाठ्यक्रम की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है, अगर आपने कृषि से संबंधित कोई भी कोर्स किया है, आपको पता ही होगा कि एग्रीकल्चर में कितना स्कोप है। एग्रीकल्चर और सभी पाठ्यक्रम की अपेक्षा इस कोर्स करने वाले स्टूडेंट की संख्या काफ़ी कम है, जिससे कि इसमें काफ़ी जॉब और करियर के अवसर हैं। कृषि अधिकारी कैसे बने, देखिए कृषि अधिकारी बनने के लिए स्टूडेंट को कृषि या कृषि से संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए स्टूडेंट BSc एग्रीकल्चर कर सकता है। एग्रीकल्चरल ऑफिसर की भर्ती प्रतिवर्ष इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS के स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO कॉमन रिटेन एग्जामिनेशन CWE के माध्यम से CWE के माध्यम से की जाती है। इसके बाद अन अदर भी कर सकते हैं, PCS, UPSC, SSC वगैरह की नौकरी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको BSc एग्रीकल्चर के बाद क्या करें से जुड़ी पूरी जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो में BSc एग्रीकल्चर क्या है, BSc एग्रीकल्चर करने के कौन कौन सी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।